भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चे के मध्य और दक्षिण गुजरात की बैठक आज भाजपा कार्यालय पर आयोजित की गई थी, जिसमें आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की ओर से होने वाले कार्यक्रमों और सरकार की सभी योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने के बारे में चर्चाएं की गई। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मध्य और दक्षिण गुजरात मोर्चे की बैठक मनुभाई टावर पर स्थित भाजपा कार्यालय पर आज आयोजित हुई थी। दरअसल 15 अगस्त के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह जी आर्य गुजरात की मुलाकात लेने वाले हैं और उनके लिए आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की तैयारी के भाग स्वरूप ये बैठक आयोजित हुई थी। इसके साथ ही राज्य सरकार को 5 साल पूरे होने के उपलक्ष में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के आयोजन के लिए और लोगों तक सरकार की सेवाओं का लाभ पहुंचाने के आयोजन के लिए ये बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें अनुसूचित जाति मोर्चे के सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता नु घड़तर करती पार्टी छे। हर हमेश कार्यक्रमों ना माध्यम थी कार्यकर्ता नु घड़तर थतु होय छे। त्यारे आजे मध्य जोन अने दक्षिण जोन बन्ने जोनना अनुसूचित जाति मोर्चाना मुख्य पदाधिकारीओनी आज बैठक छे। बैठकनो विषय खास करीने आगामी 15 ऑगस्ट बाद अमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लाल सिंह जी आर्य ए गुजरातना प्रवासे आवी रह्या छे, त्यारे विशेष रीते अनुसूचित जाति समुदायनी अंदर सरकार संगठनना विषयों एमना माध्यमथी जाय एनी पूर्व तैयारी माटेनी आजनी आ बैठक छे। अने अपेक्षित श्रेणीना बधा ज पदाधिकारीओनी उपस्थितिमां आजनी आ बैठक એ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષજીના સ્વાગત સન્માન માટે અને રાજ્ય સરકારના 5 વર્ષ પૂર્ણ થઈ રહ્યા છે એના અનુસંધાનના યોજાતા કાર્યક્રમોની અંદર મોરચો સંગઠનના માધ્યમથી કેવી રીતે કામ કરે, સરકારની વિવિધ યોજનાઓ છેવાડાના માણસ સુધી કેવી રીતે લઈ જાય એના માટેની આજની આ બેઠક છે અને આગામી દિવસોમાં આ પ્રકારે સંગઠન સાથે રહીને કામ કરવાનું છે। અમારા મહામંત્રીશ્રીએ કહ્યું એ મુજબ આ દક્ષિણ અને મધ્ય ઝોનની આજની બેઠક છે। 15 ઓગસ્ટની બાદના જે કાર્યક્રમો થાય એ ખૂબ જાજરમાન થાય એને અનુલક્ષીને વ્યવસ્થાની આ બેઠક છે અને 15 જિલ્લામાંથી પાર્ટીના જિલ્લાના પ્રમુખ મહામંત્રીઓ અને બીજી અપેક્ષિત શ્રેણીના ધારાસભ્યશ્રીઓ, જિલ્લા પંચાયતના સામાજિક ન્યાય સમિતિના સદસ્યો, નગરપાલિકાના પ્રમુખો હાજર રહ્યા છે અને આગામી કાર્યક્રમ ખૂબ વ્યવસ્થિત થાય તેનું આયોજન કરવા માટે આજની આ બેઠક છે। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।